Welcome to Eastern Paradigm. I'm Alex. Dear viewers, today, Eastern Paradigm wants to make you familiar with two solar villages of Kokrajhar district of Assam. Sarulpara and Ultapani are located 47 kilometers and 61 kilometers away, respectively, from Kokrajhar district of Assam. These two places are famous for butterfly and scenic beauty. However, hidden from the world by a dense 17-kilometer-long forest, they lived without electricity for decades until 2006, when solar power came to the rescue. Eastern Paradigm visited these areas today to learn more about these villages. Here is our report. In Sarulpara and Ultapani, every household now relies on solar power for their daily energy needs. From lighting up their homes with solar-powered bulbs to running fans, motor pumps, and even powering appliances like TVs and refrigerators, solar energy is their lifeline. Let us hear what Mr. Churamuni Sapkota, the head man of Sarulpara, has to say on this. Namaskar, sabse pehle. Mera naam Churamuni Sharma. मैं सरलपड़ा फॉरेस्ट विलेज का हेडमैन वर्तमान हेडमैन हूँ और जो सरलपड़ा जो गांव है बहुत ऐतिहासिक गांव आज से आपका बहुत साल पहले से इस गांव में लोग रहे थे इसका इतिहास बहुत पुराना इतिहास है यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है करंट का जो सुविधा वो नहीं है यहाँ के लोग इलेक्ट्रिक के बदले में हम लोग सोलर प्लांट जो है इससे हमारा गुजारा हम लोग चलाते हैं यहाँ पे कम से कम एवरेज में हम लोग लेंगे तो 700 घर हमारे गोरखा कम्युनिटी के लोग रहे थे सरलपड़ा फॉरेस्ट विलेज जो हमारे एरिया है जो मेरा हेडमैन के तत्वावधान में जो चलता है यहाँ पे सभी के घर में सोलर का सुविधा है लेकिन सफिशेंट जो सोलर चाहिए वो नहीं है किसी किसी के घर में जो एक घर में जो प्लान होना चाहिए जैसा कि एक परिवार के लिए एक घर में 1000 वाट का सोलर होना चाहिए और उससे क्या होगा 1 किलो हम लोग करेंट निकाल सकते हैं उससे हम लोग जो लाइट है आपका टीवी हो फैन हो और आपका जो मोटर भी हम लोग 1/2 किलो का मोटर भी चला सकते हैं और उससे फ्रिज भी चलता है और जो हमारा राइस कुकर भी चलता है जो इलेक्ट्रिक का जो सुविधा है वो 1000 वाट का अगर सोलर होने से वो सफिशेंट हो जाता है लेकिन इसके लिए क्या है कि वेदर ठीक रहना चाहिए अगर बारिश हो गया तो इससे वो काम नहीं करेगा वेदर ठीक होना चाहिए और इसी से हमारा यहाँ किसी किसी के घर में ये सुविधा है लेकिन सभी के घर में ये नहीं है किसी के घर में जैसा कि अभी कुछ साल पहले यहाँ पर सरकार से जो सोलर का एक सुविधा मिला था जो 300 वाट का सोलर दिया गया था लेकिन वो भी सभी के घर में नहीं है लेकिन जिसके घर में 300 वाट का सोलर है वो भी इसी से गुजरा चला रहा है जैसा कि लाइट हो फैन हो और टीवी लेकिन सभी चलाने के लिए कम से कम 1000 वाट का सोलर चाहिए रोशन गुरु अ लोकल एजुकेटेड यूथ आल्सो स्पोक टू ईस्टर्न पैराडाइम नमस्कार मैं रोशन गुरुंग इस सरलपड़ा बन गांव के एक निवासी सो जैसे कि हमारे गांव के हेडमैन साहब ने सोलर प्लेट के सभी चीज़ों के बारे में बता ही दिए हैं फिर भी मैं इसमें कुछ चीज़ बताना चाहूँगा टेक्निकल एस्पेक्ट्स की बात सोलर प्लेट जो है हम सब जानते हैं ये अल्टरनेटिव्स टू मॉडर्न इलेक्ट्रिसिटी और आज के दिनों में जो क्लाइमेट चेंज के प्रोस्पेक्टिव से ग्रीन एनर्जी का जो डिमांड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे गांव में प्राय 700 घर में हर किसी के घर में सोलर प्लेट है चाहे वो 40 वाट का हो या 1000 वाट का हो एवरेजली सबके घर में लगभग 200 वाट का सोलर प्लेट यहां पर पाया जाता है हर घर में जिससे कम से कम लाइट की सुविधा हर वक्त यहां पे किया जा सकता है उस सोलर के पावर द्वारा लेकिन बात ये आता है कि सरकार ने भी हमारे गांव को 300 वाट करके सोलर प्लेट दिया था वो बहुत ही अच्छी बात है लेकिन जिस लेवल की जो क्वालिटी की सोलर प्लेट होना चाहिए था वो सरकार ने उस हिसाब से यहां पे नहीं दिया क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यहां पे नहीं है
तो एक क्वालिटी वाला सोलर प्लेट देने से बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन जो भी हो सरकार ने दिए 300 वाट करके, उनके लिए हम सब धन्यवाद भी देते हैं सरकार को। और ये चीज़ जो इस चैनल द्वारा, जो ईस्टर्न पैराडाइम के जो चैनल द्वारा आप लोग आए हैं, आप सबको भी हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि इस जो एस्पेक्ट्स को आप लोग स्प्रेड करने आए हैं, हम सुनते हैं ऑर्गेनिक विलेज या क्लीन विलेज, इस तरह के बहुत सारे हम बात सुनते हैं जो सरकार बीच बीच में घोषणा करते हैं एग्जाम्पल सेट करने के लिए। हमारे गांव को भी मैं आप लोगों के माध्यम से मैं गुजारिश करना चाहूँगा, एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे गांव को भी मुझे लगता है सोलर विलेज, 100% सोलर विलेज डिक्लेयर देने से यहाँ पे कोई भी गलती नहीं होगा, क्योंकि यहाँ के लोग टोटली डिपेंडेबल ऑन सोलर एनर्जी। सो इस हिसाब से सोलर विलेज डिक्लेयर करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर सोलर प्लेट द्वारा लाइट हो, फैन हो, टीवी, ये तीन चीज़ चल ही रहा है, चलता है, और इससे लोगों को बहुत सारा सुविधाएं मिल रहा है। बच्चों को पढ़ाई के दौरान लाइट्स मिल रहा है, कुछ काम करने के लिए भी लाइट्स यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है। इसीलिए ये चीज़ करने से मुझे लगता है नॉट ओनली इन विलेजेस, इवन द पीपल दोस हु आर रिसाइडिंग इन द अर्बन एरियाज, दे कैन ऑल्सो एडॉप्ट सोलर एनर्जी एज अ पार्ट टाइम सप्लाई ऑफ एनर्जी, सो दैट द मेजर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैन बी सेव्ड। सो मैं आप सभी के इस चैनल के माध्यम से जो लोग भी इसको व्यू करेंगे, मैं उन सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि यू कैन ऑल्सो ट्राई सोलर प्लेट, सोलर पावर, सो दैट हम कुछ ना कुछ जो ट्रेडिशनल जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सप्लाई है उसको हम बचा सकते हैं। थैंक यू। वी होप वी कुड कन्वे द मैसेज ऑफ द लोकल पीपल एंड होप दैट देयर प्लाइट शैल बी हर्ड। दैट्स ऑल फॉर टुडे। फॉर मोर इंस्पायरिंग स्टोरीज लाइक दिस, स्टे ट्यून्ड विद ईस्टर्न पैराडाइम।